हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फराज कुकिंग चैनल में आज हम रोज़ मईतों की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त एक ड्रिंक है, इसको हम रूह अफ़ज़ा के साथ और सोडे के साथ बनाएंगे। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में मशरूबात पसंद किए जाते हैं। आज हम रोज़ मईतों या फिर आप रोज़ कॉकटेल कह सकते हैं बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें रूह अफ़ज़ा या कोई सा भी आप ये रेड शरबत ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून चिया सीड, या फिर आप तुह मलंगा लेके उसको भगो के रखते हैं हाफ आवर के लिए, ये इस तरह फूल जाएंगे। लाइम हमें चाहिए होगा, मैंने बड़े साइज़ का लिया है 1 अदद। चंद पत्ते पुदीने के चाहिए होंगे। मज़ीद इसके अंदर फ्लेवर बढ़ाने के लिए ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक साल्ट हमें चाहिए होगा यानी काला नमक, ये भी 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो जो हम आम नमक इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। क्रश की हुई बर्फ़ चाहिए होगी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, आसान सी रेसिपी है। लाइम को स्क्वीज़ कर लेते हैं। आप इनको ग्लासों के अंदर भी बना सकते हैं, मगर मैं जग के अंदर बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल दूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर और ब्लैक साल्ट डाल दूँगी। विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि जो पुदीना है, मिंट है, उसका फ्लेवर निकल आए। रूह अफ़ज़ा डाल दें। ढेर सारी इसके अंदर क्रश की हुई बर्फ़ डालेंगे। तकरीबन 3 कप मैंने इसके अंदर क्रश की हुई बर्फ़ डाली है। अब इसके अंदर सोडा डाल दें। तो मलंगा डाल दें। सेवन 10 ml की मैंने 2 बोतलें इसके अंदर डाली हैं, यानी 2 बोतलें मैंने सोडा की इसके अंदर डाली है। ज़बरदस्त सा रोज़ मईतो तैयार हो चुका है, इसको हम सर्व करने के लिए ग्लासों में डालते हैं। बेहतरीन रोज़ मईतो तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त बना है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, आपको पसंद आएगा। इस तरह के मशरूब और इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए ज़रूर फराज़ कुकिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।